आज स्टार्टिंग आपको पावर पॉइंट के बारे में बताया गया है। एक तो पावर पॉइंट होता क्या है, ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट है जिसे हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज में करते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुति। मोस्टली ये एक स्किल डेवलपमेंट की एक प्रेजेंटेशन थी। मैंने यहाँ देखो F5 प्रेस किया। अगर F5 प्रेस ना करने से रन ना हो तो यहाँ देखो एक बटन बना होता है, इस पर जो ही क्लिक करोगे तो ये मेन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। जब कभी किसी कंपनी के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या फिर उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स को जब रिप्रेजेंट कर किया जाता है, उस तरीके से ये सारा ऐसे वन बाय वन देखो एक के बाद एक स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। तो इन सब चीज़ों को हम प्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। देखो एक के बाद एक मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, अगली स्लाइड ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले होती जा रही है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है हमारा वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कैसे ये चीज़ें बनती हैं। अब ये लास्ट एंड हो गया, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें पावर पॉइंट को यूटिलाइज किया जाता है। पावर पॉइंट को हम काम में लेते हैं। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने का प्रोसेस आपको बताया गया होगा कि आप रन विंडो में क्या लिखोगे, पावर पॉइंट POWERPNT, स्पेस नहीं देना, सारा रेगुलर आपको लिखना है। जैसे लिख के आप एंटर दोगे तो आपके सामने ये प्रोग्राम डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करेंगे कि एक प्रेजेंटेशन फाइल हम कैसे बनाएं। मैं यहाँ कंट्रोल के साथ W दबा रहा हूँ, क्या हुआ उससे फाइल मेरी क्लोज हो गई। कंट्रोल W किसका शॉर्टकट है, क्लोज का, यानी जो खुली हुई फाइल थी वो हमारी बंद हो गई। कंट्रोल के साथ मैंने N प्रेस किया तो क्या हुआ, नई फाइल यहाँ पर ओपन हो गई। अब बात आती है कि हमें प्रेजेंटेशन फाइल बनानी है तो हम क्या करें। मैं आपको एक फ़ोटो एल्बम बनाने का प्रोसेस बता रहा हूँ। आप इंसर्ट में जाना, ठीक है, इंसर्ट में जाके आपको एक कमांड मिलेगा यहाँ फोटो एल्बम, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखा यहाँ न्यू फोटो एल्बम, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया तो फोटो एल्बम का एक डायलॉग बॉक्स ये आपके सामने एक लॉन्च होगा इस तरह से। इसमें आपको बताना है कि फोटोज़ किन किन का आप फोटो एल्बम बनाना चाह रहे हो, तो आप फाइल डिस्क पे क्लिक करना। ठीक है, फाइल डिस्क से ये पूछेगा कि भाई आपके कंप्यूटर में से हमें कहाँ से फ़ोटोज़ लेकर आनी है। तो ये फ़ोटोज़ हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर में। हम कंप्यूटर में से बताते हैं इसको कि भाई ई ड्राइव में से आपको फ़ोटो लेके आनी है। ठीक है, या फिर कहीं और कहीं से, सपोज़ करो मैंने यहीं पर इसको फ़ोटो सेलेक्ट किए और कुछ फ़ोटोज़ यहाँ से मैं यहाँ ले आता हूँ। जैसे ये कुछ फ़ोटो हैं अपनी और इनको मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ तक मैंने क्लिक कर दिया। देखा, इससे क्या होता है, जहाँ से जहाँ तक आप सेलेक्ट करना चाहोगे ना वो सेलेक्ट होगा। मैं ध्यान रखना, मैं दो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। देखो, इस फोटो से लेकर और मुझे यहाँ तक सेलेक्ट करना है। अगर मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो पहले वाला हट गया। ठीक है, अगर मल्टीपल सिलेक्शन करना होता है तो कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करता हूँ। अगर मुझे इस फोटो से लेकर और यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो जिस फोटो को तक सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट और क्लिक कर दो। फर्क देखा, जहाँ लास्ट सेलेक्ट किया है और जहाँ जाके लास्ट सेलेक्ट कर रहे हो ना उसके बीच के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। ये शॉर्टकट तरीका होता है, इसको बोलते हैं मल्टीपल सेलेक्शन। जैसे कई सारे गाने हों उस समय हमें ऐसे सेलेक्ट करना हो पार्टिकुलर अलग अलग गाने, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करो। अगर आप चाह रहे हो कि एक सिद्ध के सारे गाने सेलेक्ट करने हैं या फोटो सेलेक्ट करनी है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और फिर जहां पहले वाले फ़ोटो को सेलेक्ट कर लो और लास्ट जहां तक आप सेलेक्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक कर लो। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका समय बचेगा। ओके, इन फोटोज़ को मुझे जोड़ना है तो मैंने क्या किया, इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ देखो यहाँ टोटल हमारी 13 फ़ोटो आके जुड़ गई। ठीक है भाई, अब मुझे इसका एल्बम बनाना है। ये पूछता है फिट टू स्लाइड कि भाई एक स्लाइड पे एक फ़ोटो रखना चाह रहे हो या फिर इसमें और भी ऑप्शन आते हैं। हम चाहें कि भाई एक फ़ोटो नहीं, हम तो एक स्लाइड पे चार फ़ोटो चाहते हैं। ठीक है, तो देखो ये दिखा दिया ना, ऐसे इस तरीके से चार फ़ोटो आएंगी और ऐसे ये वन वन करके फोर को एक जगह इसने क्रिएट कर दिया। मैं अब यहाँ क्रिएट बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे कुछ देर बाद आप यहाँ कहोगे तो रुक गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक फोटो एल्बम प्रोसेस मोड पे है। देखा हमने कितना फोटो किया था एक जगह, हो गया एक पेज पे कितने फोटो आ गए भाई, चार फोटो ऑटोमेटिकली यहाँ आते चले गए। अब मैं आगे प्रेस करता हूँ, देखो अब आप ये चाहोगे फुल स्क्रीन पे हो जाए कुछ देर पहले हमने जैसे किया था, तो ये यहाँ पर जाके क्लिक कर दो। ठीक है, तो इस तरह से ये फुल स्क्रीन पर ऑटोमेटिक
बनता चला जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में एक ही फोटो क्यों आया, क्योंकि हमने 13 फोटो जोड़े थे, तो चार चार के हिसाब से वो स्क्रीन पे आ गए, एक बचा जो कहाँ चला गया, अगले स्क्रीन के अगली स्लाइड के ऊपर चला गया। स्लाइड किसे कहते हैं, देखो आपने वर्ड पढ़ा होगा तो आपको डॉक्यूमेंट बताया होगा, एक्सेल पढ़ी तो आपको वर्कबुक बताया गया होगा, लेकिन पावर पॉइंट में क्या बनता है, स्लाइड्स। स्लाइड्स को जोड़ के क्या बनाया जाता है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर। अब देखो आप चाहोगे कि ये ऑटोमेटिक चले, ऑटोमेटिक चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां मैं जाऊंगा ट्रांजिशन में, मुझे कोई डिजाइन इस पे जोड़ना हो कि भाई ये इस तरीके के डिजाइन से चले, या फिर कोई दूसरी स्लाइड दूसरे डिजाइन से चले। देखो हर स्लाइड पे मैंने अलग अलग तरह का इफेक्ट अप्लाई कर दिया। अब आप इसको अच्छे से देखना कैसे आपको ये महसूस होती हैं, मैंने फुल स्क्रीन पे किया, ठीक है, लेकिन हमें पहली स्लाइड से छोड़ना पड़ेगा तब जाके ये चीज़ें फुल होंगी। आप यहाँ वापस फुल स्क्रीन वाले बटन पे, ये स्लाइड शो बोलते हैं इसको। अब देखो एक इस तरह से डिजाइन में आई, दूसरा अलग डिजाइन हो गया, इसको बोलते हैं एनिमेशन। जो ट्रांजिशन है ना अपना, वो इफेक्ट हमने इस पे जोड़ा है कि एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड किस डिजाइन में स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, वो उसका ट्रांजिशन इफेक्ट कहलाता है। ये इस तरीके से आ गया और ये इस तरीके से आ गया, लेकिन अब मैंने क्लिक किया तो आया। अगर मैं ऐसा कोई ऑप्शन चूज कर दूं कि अपने आप चले, कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ये चलने लग जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपको एनिमेशन ग्रुप पे ना जाके यहीं ट्रांजिशन ग्रुप में लास्ट में होता है, देखो आफ्टर, आफ्टर वाले ऑप्शन पे टिक कर देना और यहाँ समय भर देना, जैसे मैंने 2 सेकंड कर दिया भाई, और अप्लाई टू आल, कि भाई सभी के सभी स्लाइडों पे ये फ़र्क लग जाए, कितनी देर बाद का, 2 सेकंड बाद का। अब देखो मैंने इसको फुल स्क्रीन पे कर दिया भाई, पहले स्लाइड पे अपने को जाना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में थे अपन, फर्स्ट स्लाइड पे कर्सर छोड़ना और यहाँ आके इसको फुल स्क्रीन पे कर दो, देखा। अब आपको कुछ नहीं करना, आप ऑटोमेटिक देखेंगे, हम पहले क्लिक कर रहे थे लेकिन अब हमें क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्यों, क्या रीजन है बताओ। हमने इस पर ट्रांजिशन इफेक्ट लगा दिया, वो भी कितनी देर बाद का, 2 सेकंड बाद का, तो इसलिए अपने आप चल रहा है, ये लास्ट में एंड हो गया क्योंकि इसके आगे फोटोज नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक था हमारा कि पावर पॉइंट को हम किस तरीके से यूटिलाइज करके और कौन कौन से काम हम कर सकते हैं। ठीक भाई, क्लियर। तो अब आपको ये चीजें बनानी है।